जी पास किस तरह की फिल्म है, इसमें आप काम करने का कैसे मौका मिला? पास एक हॉरर फिल्म है और बहुत ही अलग टाइप की फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग है। मुझे मौका ऐसे मिला कि गगन जी जो डायरेक्टर है हमारे, उनको मैं पहले से जानती थी, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया एक रोल के लिए, दिशा के रोल के लिए, जो वेदिता की फ्रेंड है इस मूवी में। तो उनको ऑडिशन अच्छा लगा, वैसे मेरा सिलेक्शन हो गया। अपनी शुरुआत के बारे में थोड़ा, जर्नी के बारे में बताएं, किस तरह से इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत हुई? इंडस्ट्री में एक्चुअली व्हाट द फिश नाम की मेरी मूवी आई थी 2013 में, तो वैसे शुरुआत हुई है उसके, यहाँ पे ऑडिशन दिया था मैंने तो वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। और फिर कुछ कमर्शियल्स किए हैं, मराठी मूवी भी एक की है और अब ये थर्ड फिल्म है। समीक्षा जी, आप इसमें भूतनी बनी है, तो ये भूतनी बाकी फिल्मों से कितनी अलग है? ये भूतनी एक्चुअली इस भूतनी का एक पास्ट दिखाया है। जनरली जो हॉरर फिल्म्स मैंने देखी हैं उसमें पूरे में बस भूत डराता रहता है, और इसमें एक अच्छी स्टोरी है इस भूत के पीछे। तो आप सीता भी बन चुकी हैं, सीता से लेकर भूतनी तक के, पास्ट तक के यात्रा के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह की जर्नी रही इस बीच? इस बीच मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं अलग अलग शोज में। जैसे मैंने तोता वेड्स मैना में आरती का कैरेक्टर किया था, जो कि तोता वेड्स आरती था पहले। ऐसे मैंने अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, और मैं सारे कैरेक्टर्स जनरली कोशिश करती हूँ कि एक दूसरे से काफ़ी अलग हो। जीरो लाइन में मैंने एक बहुत ही शाय मुस्लिम स्कूल गर्ल का कैरेक्टर किया था। सुना इस फिल्म की शूटिंग हॉन्टेड प्लेस पे हुई पहले से, तो वहाँ पर ऐसी डरावनी जगह शूटिंग करने का कैसा अनुभव रहा? हम लोगों को एक्चुअली पहले पता नहीं था कि वो हॉन्टेड है। हम लोगों को मना किया गया था कहीं कहीं जाने के लिए, जैसे एक पॉन्ड था बहुत बड़ा, उसके पास जाने के लिए मना किया था। बेसमेंट पे मतलब अकेले रहना सेफ नहीं था ऐसा बताया गया था, पर हमें लगता था कि मजाक चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे करके ऐसी चीजें होने लगी तो हम लोगों को रियलाइज होने लगा कि हाँ, ये सच में हॉन्टेड है।